नमस्कार, खबर 10 बजे लेकर हूं मैं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। प्रयागराज से अनजात हरवाई हत्याकांड का खुलासा हुआ है। पुलिस टीम को 1,25,000 के नाम की घोषणा की गई है। एसीएस होम ने 1,00,000 के नाम की घोषणा की है। एसएसपी ने 25,000 के नाम की घोषणा की है। मुठभेड़ के बाद 7 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गोली लगी थी। तो बड़ी और अहम खबर, एक ही परिवार के 5 लोगों की जहां हत्या थी उसका खुलासा कर दिया गया है। प्रयागराज से बड़ी खबर बता रहे, जहां हरवाई हत्याकांड का खुलासा पुलिस के द्वारा कर दिया गया है। साथ ही साथ पुलिस टीम को 1,25,000 के इनाम की घोषणा की गई है। एसीएस होम ने 1,00,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। एसएसपी ने 25,000 के इनाम की घोषणा की है। मुठभेड़ के बाद 7 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गोली लगी थी। तो प्रयागराज में थरवाई में हुए सामूहिक हत्याकांड के 7 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को मंगलवार को यह सूचना मिली थी कि 7 बदमाश प्रयागराज के गंगापार इलाके में किसी घटना को अंजाम देने आए हैं। सूचना मिलने के बाद प्रयागराज पुलिस ने चारों तरफ से आरोपियों की घेराबंदी कर ली और जब घिरने पर आरोपियों ने फायरिंग की तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग की है, जिसमें 3 आरोपियों के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने घायल समेत कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घायलों को स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि 22 अप्रैल की रात थरवाई इलाके में खेवराजपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई थी, जिसके बाद से पुलिस की कई टीम बनी हुई थी और इन आरोपियों के पीछे पड़ी थी। थरवाई सामूहिक हत्याकांड का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को एसीएस ग्रे अवनीश अवस्थी ने 1,00,000 रुपए और एसएसपी ने 25,000 के नाम समेत प्रशस्ति पत्र देने का ऐलान किया है। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एसीएस होम ने 1,00,000 देने का ऐलान किया है। सामूहिक हत्याकांड का खुलासा हो चुका है। परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई थी। बुजुर्ग दंपति, बेटी, बहू और हत्या की गई थी। 2 साल की पोती की भी हत्या हुई थी। गोरी में 4 लोगों की हत्या से शामिल में ये आरोपी। थरवाई की में 5 लोगों की हत्या में ये आरोपी शामिल थे। परिवार के 5 लोगों की मौत हुई थी। 22 नवंबर 2021 को गोरी में भी 4 लोगों की हत्या हुई थी। वहीं 22 अप्रैल 2022 को थरवाई में 5 लोगों की हत्या की गई। 22 अप्रैल की घटना जहां 5 लोगों की हत्या की गई, उसके बाद टीमें बनाई गई और उसके बाद मुठभेड़ में ये आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। एसीएस होम ने इसके बाद 1,00,000 के नाम का ऐलान किया है। तो बड़ी और अहम खबर प्रयागराज से आपको बता रहे हैं, जहां पर मुठभेड़ में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सामूहिक हत्याकांड का खुलासा हुआ है। सामूहिक हत्याकांड में 5 लोगों की हत्या हुई थी। एक ही परिवार के बुजुर्ग दंपति और बेटी बहू की हत्या की गई थी। 2 साल की पोती की भी हत्या हुई थी। थरवाई में 5 लोगों की हत्या से सनसनी मच गई थी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आती है, टीमें बनाई जाती है और उसके बाद उन्हें सूचना मिलती है मुखबिर से और फिर एक प्लान के तहत इन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें जब पहुंचती हैं तो इन पर फायरिंग बदमाशों के द्वारा की जाती है और फिर जवाबी फायरिंग में पुलिस बदमाशों को पकड़ने में कामयाब होती है। हत्याकांड के 7 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को मंगलवार को यह सूचना मिली थी कि 7 बदमाश, और इसमें बिहार का जो रोहतास गैंग है वो इस में शामिल था। पुलिस के साथ 4 अप्रैल की सुबह गंगापार क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है और इस दौरान 7 को ख्यात गिरफ्तार किए गए। इनमें से 3 को गोली लगी, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस का दावा कि इनसे पूछताछ के दौरान गोहरी में हुए 4 दलित परिवार और थरवाई में 5 लोगों की जो जघन्य हत्याकांड हुई थी उसको लेकर जानकारी मिली है और भी खुलासे हो सकते हैं। सामूहिक हत्याकांड का भी खुलासा किया गया है पुलिस के द्वारा। प्रयागराज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। इसके अलावा प्रयागराज पुलिस टीम को एसीएस होम के द्वारा 1,00,000 रुपए के नाम और प्रशस्ति पत्र दिए जाने की भी घोषणा की गई है। एसएसपी ने भी 25,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की है, जहां पर प्रयागराज हत्याकांड में जो मामला था उसका खुलासा कर दिया गया। थरवाई हत्याकांड का खुलासा पुलिस के द्वारा किया गया है। पुलिस टीम को
1,25,000 के नाम की घोषणा भी की गई है। एसीएस होम ने 1,00,000 के इनाम की घोषणा की है, वहीं एसएसपी ने 25,000 के इनाम की घोषणा की है। मुठभेड़ के बाद 7 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गोली लगी थी। प्रयागराज में थरवाई में हुए सामूहिक हत्याकांड के 7 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को मंगलवार को यह सूचना मिली थी कि 7 बदमाश प्रयागराज के गंगापार इलाके में हैं और उसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं मानवेंद्र का। मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र, क्या कुछ खुलासे में निकल कर आया, किस तरह से पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है? जी देखिए, पुलिस का कहना है कि आज सुबह कह सकते हैं कि भोर में 3-4 बजे के आसपास इन बदमाशों के ग्रुप से पुलिस की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 3 बदमाशों के पैर में, कुल 7 बदमाश थे जिसमें से 3 के पैर में गोली लगी है और 4 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आप हमारे साथ बने रहिए, एसएसपी अजय कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। एक बड़ी कामयाबी कहेंगे, 25,000 की घोषणा भी की गई है, कैसे कुछ खुलासा रहा और क्या कुछ खुलासे में निकल कर सामने आया, क्या कुछ जानकारी आपके पास? ये एक बहुत ही बड़ा इंटर स्टेट गैंग है जो बिहार से यूपी तक फैला हुआ है। बिहार के 4 जिले हैं, भोजपुर, कैमूर, औरंगाबाद और एक जिला और है रोहतास, साथ ही साथ यूपी का जो मिर्जापुर जिला है उसका चुनार का इलाका, इन सभी इलाकों से, और हमारा फाफा मऊ इलाका है जो प्रयागराज का, इन सबको मिला के कुल 13 इसमें गैंगस्टर शामिल है, गैंग के मेम्बरान है जो दर्जनों घटनाएं कर चुके हैं। ये हमारे यहाँ घटना थरवई में हुई थी जिसका सही से खुलासा किया गया है जी। इन को 7 मेंबर के जो टीम को हमने गिरफ्तार किया है, इसमें 3 को गोलियां भी लगी हैं। इनसे जो बातें सामने आई हैं कि ये ऐसे घरों को चुनते हैं जो एकांत में हैं, जिनकी 4 दीवारी नीची है, सामने सड़क है, छत पे चढ़ना आसान है, घर में महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है जी। तो ये लूटपाट भी करते हैं, महिलाओं से दुराचार भी कर लेते हैं, ये सारी इसमें चीजें करते हैं, बहुत दुर्दांत गैंग है, मर्डर भी कर देते हैं जी। तो एक बड़ी कामयाबी मिली है उसको, हमारे द्वारा 25,000 का और शासन के द्वारा 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है जी। अजय कुमार जी, ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि खुलासे में क्या कुछ इन लोगों ने बताया, कुछ और जो घटनाएं हुई है उसके बारे में जानकारी दी है, क्या ये गैंग जो आप बिहार का बता रहे थे ये वारदात प्रयागराज में देते थे या बाकी के जिले में भी इनकी पकड़ थी और ये वहां पर भी वारदात को अंजाम देते थे? प्रयागराज में इन्होंने कई चोरी नकबजनी को अंजाम दिया है, लेकिन मर्डर के मामले में बात करें तो एक गोहरी में हत्याकांड हुआ था फाफा मऊ थाना क्षेत्र में जी। ये 21/22 नवंबर की रात पिछले साल 2021 का मामला है, उसमें 4 लोगों की हत्या हुई थी एक परिवार के, वो उस केस का खुलासा हुआ है। और थरवई में जो 5 लोगों का मर्डर एक ही परिवार का हुआ था उसका खुलासा, 2 बड़े सनसनीखेज और चुनौतीपूर्ण मामलों का खुलासा हुआ है। ठीक है सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो अजय कुमार जी एसएसपी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि कई जो ये गैंग है बेहद सक्रिय था, प्रयागराज में कई बड़ी वारदातों का अंजाम दे चुका है। मानवेंद्र हमारे साथ जुड़े, मानवेंद्र का रुख कर लेते हैं। मानवेंद्र, खुलासे में क्या कुछ निकल कर सामने आया, जिस तरह से बिहार का कनेक्शन देखने को मिला है, क्या ये गैंग बाकी के जिले में भी सक्रिय था? जी बिल्कुल, जैसे कि अभी अजय कुमार जी एसएसपी प्रयागराज बता रहे थे कि तमाम इंटर स्टेट गैंग है और उत्तर प्रदेश के अलावा, प्रयागराज के अलावा दूसरे ज़िलों में भी सक्रिय है। मिर्जापुर के कुछ इलाकों में इसका ये सक्रिय है, इसके अलावा बिहार के 4 ज़िलों का उन्होंने नाम लिया, वहाँ पर ये एक्टिव है और 12 से 13 लोग इस गैंग में शामिल हैं। और ये एक तरह से अगर खुलासा हुआ है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो हत्याएं हुई हैं उसमें इसी गैंग का हाथ है, तो मान सकते हैं कि ये क्रूर हत्यारों का गैंग है। जिस तरह से इन्होंने प्रयागराज में, अगर हम बीते कुछ सालों की बात कर लें, तो करीब 3 दर्जन लोगों की हत्या की है, जो सामूहिक हत्याकांड हुए हैं। मोडस अपरेंडी इनकी ये है कि जैसा कि एसएसपी साहब भी बता रहे थे कि ये किसी ऐसे घर को चुनते थे जहां पर लोग जो है, घर सड़क के किनारे होता था, बाउंड्री नीचे होती थी, घर में महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती थी, लूटपाट भी करते थे, मर्डर भी करते थे, रेप भी करते थे। और जिस तरह से क्रूर तरीके से हत्याएँ हुई हैं, जिस तरह से छोटे बच्चे तक को डंडे से पीट करके मारा गया है, जिस तरह से महिलाओं को मारा गया है, जिस तरह से बुज़ुर्गों को मारा गया है, किसी को भी बख्शते नहीं थे, तो क्रूर हत्यारों का गैंग है ये। और अगर पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है और पूरा खुलासा हुआ है,
हालांकि पहले भी थोड़ी सी आशंका मन में जरूर पैदा होती है, क्योंकि पहले भी खुलासे हुए थे और खुलासे के बाद दावा किया गया था कि ये जो हत्याएं हो रही हैं, जो सामूहिक हत्या हो रही है उसमें ये गैंग शामिल था। कई बार इस तरह की गिरफ्तारियां हुई और उसके बाद जब घटनाएं रिपीट होती थी तो बड़ी निराशा होती थी, ऐसा लगता था कि जल्दीबाजी में खुलासा कर दिया गया है या दबाव के चलते खुलासा कर दिया गया। तो पूरी उम्मीद की जानी चाहिए कि जो खुलासा हुआ है ये सही खुलासा हुआ और इस बार जब ये अपराधी सलाखों के पीछे जाएंगे तो उसके बाद ये घटनाएं, इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। 5 साल में 3 दर्जन लोगों की हत्याएं, कई ऐसे परिवार हैं जो पूरे के पूरे परिवार खत्म कर दिए गए, परिवार पूरा साफ कर दिया गया, 5 लोग मारे गए।